कहाँ पे गोली लगी थी और अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है। गोली मुझे लगी थी यहाँ पेट पे। पेट पे एक ही गोली लगी एक थी? एक गोली लगी थी। अच्छा, तो फिर हॉस्पिटल में रहे तुम? हॉस्पिटल रहे हम, काफ़ी महीना रहे हैं हम। अच्छा, तो अब कैसी है? इधर से पैर पे भी छोके ना गिटे के पास से जमीन पे लग गई थी। ठीक है, तो आप क्या काम करते हो? मैं मज्जों का काम करते हैं। भैंसों का काम करते हैं? काम करते हैं। तो लड़ाई क्या हुई, किस बात पे हुई? कोई बात भी नहीं थी सर। अच्छा, कोई पहले कभी इनके साथ भी झगड़ा हुआ था वो जब इन्होंने फायरिंग की थी? पहले 7 महीने पहले लड़ाई हुई थी थोड़ी सी मुँह मारी, उन्होंने गोली भी चलाई थी मारी तरफ, मेरी तरफ ही चलाई थी। अच्छा, और पानी की वजह से। अच्छा, उसके बाद कोई बात नहीं हुई, 7 महीनों बाद ना इन्होंने ये काम किया। ये काम किया, तो ये जो भैंसे हैं वो आप ये भी भैंसों का काम करते हैं, आप भी भैंसों का काम? नहीं, करते हम ही बस भैंसों का काम करते हैं, तीनों भाई करते थे। अच्छा। वो उनका नजायज काम है। अच्छा, ठगी है, फ्रॉड, असला ऐसे बेचना। अच्छा, ये काम है उनके। ठीक है, नजायज काम है। तो जो भाई आपका कत्ल हुआ है उसका क्या नाम था? उसका नाम था मोहम्मद शुएब। मोहम्मद शुएब, तो वो आपके सामने उसको गोलियां लगी? सामने, हमारे, मेरे सामने गोली। वो भी आपके साथ था? साथ था, वो फटे हुए दूध मिल रहा था। अच्छा, और फाइक आया और पप्पू, हाँ, दोनों बाप बेटे आए हैं। फाइक ने मारी गोली मेरे भाई को जो कत्ल हुआ है उसे, 8-9 फैर मारे उसने, और पप्पू ने हम दोनों भाइयों को मारे। अच्छा, पप्पू ने मुझे और मेरे बड़े भाई को, पप्पू ने नसीर, अच्छा, उसका नाम है असल नसीर, उसने हमें मारे हैं फैर। ठीक, दोनों को बड़ी गन्ने थी दोनों के पास। ठीक है, क्लैश ने जो भी हो बड़ी गन्ने थी दोनों के पास। ठीक है, फिर वहाँ से फरार हो गए? हाँ जी, वो दोनों फिर भाग के अपनी बिल्डिंग के साथ ही गली है, वो गली में भर गए। अच्छा, आप इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने आपका बयान, क्योंकि आप ऐनी शाहिद हैं, आपके भाई को जब कत्ल किया आप भी वहाँ हमारे सामने मेरे किया, तो फिर पुलिस ने आपका बयान क्यों नहीं लिया अभी तक? सब तालों ने बयान लिया सी भाई तुहानू किन्ने मारे आ गोलियां। अच्छा, असीं उत्थे दस्या वी फाइक ने मारिया साडे भरां जिहड़ा कतल होया। ठीक है, ते सानू मारिया नसीर ने, उहदे प्यो ने, पप्पू ने। ठीक है, असीं सब तालों उहनां नू SHO वी आया, जिहड़े जिहड़े वी आए सब नू बयान आई दित्ता। ठीक है, ते अगों उहनां ने कोई कार्रवाई नहीं सही की। लाहौर में जो हम जिस पे बात कर रहे हैं कि दो लोगों को, दो नौजवानों को जो भाई हैं सके उनको जख्मी किया, एक तीसरे भाई को कतल किया, अब दूसरा भाई है जो जख्मी हालत में, वो भी घर में जेरे इलाज है, ये वाक्या किस तरह से बताता है इसकी ज़ुबानी जानते हैं। अच्छा जी, अपना नाम दसो, की नाम जे? सर मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। इमरान साहब, की होया, गोली लग गई? सर कुछ भी गल कोई भी नहीं, मैं मगरिब की नमाज पढ़ के निकलिया हूँ, तो छोटा भाई मेरा बकौल से गला कर है, वो परे गया, मैं थले बैठा, मैं परे आया है फाइक रैफल लै के, इन्हें आँदे फायरिंग शुरू करते, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ, ਅਤੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀ, ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵੱਜੀ ਪੇੜ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰ ਬਕੂਆ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵਾਕੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਫ, ਇਨਸਾਫ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਖਵਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਖਵਾਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਖਵਾਤਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਭਰਾ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਸਾ ਖਾ ਲਿਆ? ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਲੀਲੋ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦੇ, ਸੁਬਹਾ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ 3-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ, ਬਸ ਠੀਕ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਆਗ ਬਕੂਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਝੂਠ ਵੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਦੇ ਪੇਟਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਇੱਥੇ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ।